वो कैनेडा से आते, अमेरिका से आते, जापान से आते, ब्राज़ील सफीर आते, तुर्किया वाला बादशाह आते, सदर अर्दोगान आते, सारा डेमनसिनी आते। उर्दू हमारा, मैं बहुत आदमी का बहुत पसंद करेगा। बड़ी अदबी उर्दू बोलते हैं ये। मुझे शाहरुख खान स्पेशल पैगाम दिया कि तुम हिंदुस्तान आओ और स्पेशल गोश्त पकाओ, मैं खाएगा। मैं चर्सी कढ़ाई, उसमें चर्स थी। YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? फूलों के शहर पिशावर से एक दफ़ा फिर आपकी होस्ट ताहिरा रिफत जी आपको खुश आमदीद कहती है अपने चैनल मेहर स्टूडियो में। आज मैं पिशावर की जिस बेहतरीन सी और मसरूफ तरीन जगह में और लजीज तरीन जगह पर मौजूद हूँ, इसको कहते हैं नमक मंडी। ये जगह जो है अपनी एक ख़ास वजह से भी मशहूर है। वो वजह ये है कि यहाँ का नमकीन गोश्त यानी मटन सीख पर हो, कढ़ाई पर हो, या मुख्तलिफ तरीक़ों से, ज़्यादातर कढ़ाई और सीख पर ही पसंद किया जाता है। तो उस वजह से ये जगह अपनी मिसाल आप है। पिशावर में, पिशावर के रहने वाले या पिशावर से बाहर से आने वाले जितने भी हमारे मेहमान हैं, जब वो पिशावर आते हैं तो नमक मंडी का विज़िट ज़रूर करते हैं। और यहाँ की जो ये ख़ास जगह जहाँ आज मैं मौजूद हूँ, चर्सी टिक्का शॉप, पर्सनैलिटी जो है जिनके साथ मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ, जो कि मकाम पठान के नाम से मशहूर है। यहाँ पर एक बात और आपको बताती चलूँ कि इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा मशहूर सेलेब्रिटीज़ हों, सियासी लोग हों, बहुत से ऐसे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये मकाम जो है कोई मामूली मकाम नहीं है। और हमारे साथ मौजूद है मकाम पठान साहब। अस्सलाम वालेकुम। अलहमदिल्ला ठीक ठाक। आपके मसरूफ तरीन टाइम में से हम आपको थोड़ा सा टाइम लेंगे जी। टाइम दी, बिल्कुल जी। क्योंकि आप पिशावर के तो फेवरेट हैं ही हैं, जो हमारी YouTube फैमिली है उसके भी आप काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। बिल्कुल जी। मेरा नाम है मुकाम पठान, शिलवारी चिन पेना। ओ नमक मंडी ऐसे निसार चर्सी ऐसे मशहूर थिक है छे पाकिस्तान को हर गोल से आदमी आते, वो कैनेडा से आते, अमरीकी से आते, जापान से आते, ब्राज़ील सफीर आते, तुर्किया वाला बादशाह आते, सदर अर्दोगान आते, सऊदी वाला आते, और इंडिया वाला क्रिकेट वाला सब इधर आते, सब कुछ इधर आते और खाना खाएगा वापस चलेगा। उसकी क्या वजह है? गोश्त में चस डालते हैं क्या? जी चस नहीं डालेगा, इसको सिर्फ टमाटर डालेगा, सबर नट डालेगा और पिशावर निसार चर्सी नमक डालेगा। वो बेहतरीन चीज़ है। वो मसाले कुछ नहीं डालेगा। वो अल्लाह का पजल है, वो अल्लाह अकबर से ज़बह करेगा, वो जन्नत का माल है, वो बेहतरीन चीज़ है, वो बीमार हम खाएगा, वो खूबसूरत और ढेर मज़ेदार ताकतवर चीज़ है, निसार चर्सी टिक्का है जी। अच्छा, यहाँ लोग आते हैं ज़्यादा दुम्बे का गोश्त पसंद करते हैं, बकरे का? नहीं नहीं जी, सारा दुम्बा पिशावर में सारा दुम्बा चलेगा, बकरी इतना पसंद नहीं। सारा प्याला पंजाब वाला लोग लाट में नहीं खाएगा, पश्तों में लम्बू लेगा, अभी इधर आते स्पेशल लाट में खाएगा। चर्सी ने आदि कर दिया जी, बिल्कुल चर्सी आदत करेगा सारा पंजाब लोग, इधर सारा लाट में खाएगा। लाट गर्म है, मज़ेदार चीज़ है। और बकरी का गोश्त जायका नहीं है, दुम्बा का गोश्त बहुत अच्छा जायका है, मज़ेदार चीज़ है और बेहतरीन टेस्ट जायका है। ताकत भी है, ताकत बहुत ज्यादा है। अभी क्या पका रहे हैं जी? मैं गोश्त पकाएगा। दिन में कितनी कढ़ाइयाँ बना लेते हैं? मेरा जी हिसाब नहीं मालूम, 25 दुम्बा ले लेगा, 20 ले लेगा बाजार का। अगर व्यूअर्स को बताएं, कब से चर्सी टिक्का शॉप जो है वो कब से यहाँ पर मौजूद है पिशावर में नमक मंडी में? जी नमक मंडी में इधर निसार चर्सी मौजूद है, इसे 80 सालों के चाहिए मौजूद है। और कोई ब्रांचेज है पूरे पाकिस्तान? ब्रांच हमारा न्यू बनाएगा इधर इधर टिकसराय में है ना, एक सनबदान में है ना, एक रवाद में है ना, एक इस्लामाबाद में सपा गोलमार प्लाजा में है ना, और एक रिंग रोड में बनाएगा अजहर खान चौक में। मैंने सुना है अंग्रेज भी बड़ा पसंद करते हैं। ये अंग्रेज आते कैनेडा वाला अंग्रेज आते हमारा, मैं गोश्त इधर पकाएगा, बहुत पसंद आते, मैं प्याला भी सकाएगा,
बरका रहेगा। वे पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसे गाना पाकिस्तान मिलेगा जो सारा दुनिया में चक्कर लगाएगा, कोई इस गाने में नहीं गाएगा। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि काफी ज्यादा लोग आए हैं, तो कौन कौन आया है, उनके नाम जरा हमारे व्यूवर्स को बताएंगे। इधर जी इमरान खान आते, वसीम अकरम आते, शोएब अख्तर आते, सारा डेमन सिनी आते, और अशागा वाला क्रिकेट वाला शेख रशीद आते, सब बड़ा लोग है, कितना अफसर है, कितना क्रिकेट वाले इधर निसार चर्सी नमक मंडी पिशावर आते, गवर्नर लाल थे, सब इधर आते। और चीज़ है इसको खुद खपल नशे, तो मुझे शक हो रहा है कि इसमें चर्स हो। नहीं चर्स नहीं, इतना ऐसे मज़ेदार चीज़ है, खपल खूबसूरत, इसको खपल नशे है, वो कहेगा आदमी ऑटोमेटिक नशा हो गया और मस्त हो गया। नमक मंडी मेरे दादा का नाम है। अच्छा, हमने तो सुना था कि नमक मंडी यहाँ नमक की वजह से मशहूर है। ओ प्याला, मेरा दादा का इधर बड़ा मार्केट है नमक का, एक कोई काप घर से आते उखने उख से इधर नमक आते, इधर मंडी हो गया, इधर ब्याह मेरा दादा इधर एक दुम्बा पकाएगा, और माल की पश्तो में माल की बोले मेरा दादा का खस है, मेरे दादा का बीबी है, वो दोनों इधर मशहूर हो गया, दोनों नाम आते। मैं सारा अल्लाह का फजल है, हमारा उर्दू हमारा मैं बहुत आदमी का बहुत पसंद करेगा, बड़ी अदबी उर्दू बोलते हैं ये। वो सारा मैं पाकिस्तान का शहजादा हूँ इस टीम में, A1 ऐसी उर्दू। अर्तुरुल यहाँ पर आ गया तो आप उसको क्या चीज़ ज्यादा अपने हाथों से मजेदार सी बना के खिलाएंगे? जी इसको मैं कड़ी गोश्त में पकाएगा स्पेशल मजेदार में। वो तो मैंने ड्रामे में देखे, बड़ा नमकीन सा और बड़ा खुश खुश सा गोश्त खाता है। मुझे स्पेशल पैगाम इधर दिया कि तुम इधर पाकिस्तान से इधर हमारा तरफ से इधर तुर के आओ। अच्छा। और स्पेशल मैं जिगर दूंगा निसार चर्सी इधर टिका बनाओ, अब इधर स्पेशल एक गाना इधर। देख ले जी, मैं किसी मामूली बंदे के साथ नहीं खड़ी, मैं इतने मशहूर बंदे के साथ खड़ी हूँ जिसको अर्तुरुल ने कहा है कि तुम तुर्की आओ, यहाँ पर भी अपनी एक ब्रांच खोलो और इसी तरह की मज़ेदार कढ़ाइयाँ बनाओ और अपनी जो ज़ुबान है इससे मुझे महसूस करते रहो। तो ये कढ़ाई कितनी देर में बन जाती है? गोश्त तो गले में बड़ा टाइम देता है इसको जी। आप इसको अपनी उर्दू सुनाते हैं? हाँ जी, उर्दू में स्पेशल चीज़ है ये कला। उर्दू में गला देते हैं जी? उर्दू इसको सुना के गोश्त गिला देते हैं। हाँ उर्दू सुनाते हैं, गोश्त गिलाएगा खपल स्पेशल बनाएगा मज़ेदार, अब मिलाट में पकाएगा बाजारी की नहीं डालेगा। बेहतरीन चीज है और ताकतवर चीज है। लाट में बनाते हैं। अच्छा, यानी लाट में सिर्फ आप बनाते हैं, दूसरा तेल नहीं, घी नहीं डालते? दूसरा घी में डालेगा भैया, टेपर का हो, आलू का हो, गाजर का हो, ये चीज है, इसको ताल्लुक नहीं है, इसको खुद लाट में पकाएगा। मुझे एक उर्दू वाला उर्दू फोन ने मेरा एक उर्दू इंटरव्यू में दिया, ये मुझे शाहरुख खान में दिखाएगा, इतना खुश हो गया कि मुझे स्पेशल पैगाम दिया। आप गौर से देखें तो शाहरुख खान से भी बहुत मिलती है। मुझे शाहरुख खान स्पेशल पैगाम दिया कि तुम हिंदुस्तान आओ और स्पेशल गोश्त पकाओ, मैं खाएगा, मैं बोलेगा तुम पाकिस्तान आओ, निसार चर्सी ताज़ा मैं खुद आदमी बनाएगा और स्पेशल ताज़ा ताज़ा खाओ। सारा दुनिया में मैं चैलेंज दूंगा कि हमारा आदमी ऐसे टेस्ट निसार चर्सी तिका जी किसी की नहीं है, ये हमारा आदमी बहुत अच्छा मजेदार। ये आप किस चीज में बना रहे हैं? सिर्फ इस नमक में सिर्फ डालते हैं। और ये इसमें चिकनाहट भी है, तो क्या ऑयल वगैरह कोई ऊपर लगा? इसमें तो यार कोई चीज नहीं है, इसमें अपना ऑयल है बस, चर्बी की वजह से। चर्बी का वजह से। ओके जी, थैंक यू सो मच जी। पिशावर की चर्सी टिक्का शॉप पे आज हम आपको लेकर आए थे, बड़ी ही लजीज जगह, बड़ा ही लजीज गोश्त यहाँ पर। रश अगर मैं बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज, फैमिली हॉल भी ऊपर मौजूद है, मतलब जेंट्स आते हैं, ज़्यादा आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फैमिलीज भी आती हैं, ना कि सिर्फ पिशावर से, पिशावर के बाहर से भी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए हैं ऊपर फैमिली हॉल में, फैमिलीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनसे मैं बात करूँगी। ये हमारे भाई काफ़ी दूर से आए हैं, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। हसन साहब, आप कहाँ से आए हैं? जी मैं लाहौर से आया हूँ, पेशावर फर्स्ट टाइम आया हूँ, और ज़ाहिर बात है काफ़ी सुना था मैंने ये चर्सी टिक्के का नाम, तो यहाँ पर इंजॉय करने आया हूँ, खाने आया हूँ। यहाँ पर आपकी क्या फैमिली फ्रेंड्स वगैरह हैं या नहीं, आप सिर्फ चर्सी का नाम सुनकर यहाँ आए हैं? नहीं, बेसिकली तो ये भी था कि चर्सी टिक्का खाएंगे भी साथ, मैं ओप्पो कंपनी की तरफ से आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम उमर कलीम और मैं इस्लामाबाद से हूँ। इस्लामाबाद से सिर्फ चर्सी टिक्का खाने के लिए आए? स्पेशली इसके लिए हम आए हैं। क्या वजह है आपको यहाँ का गोश्त पसंद है?
हम अक्सर आते रहते हैं, मतलब 6-1 महीने में एक दफ़ा लाजमी आते हैं। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है और खा के मज़ा आ जाता है। आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? कोयटा से। कोयटा से आप जर्सी टिक्का खाने के लिए आए हैं? खाने के लिए आए। क्या ऑर्डर किया था? ये कबाब, सीख कबाब और कढ़ाई, जर्सी कढ़ाई। उसमें चर्स थी? हाँ, चर्स था, वहाँ बहुत मज़ा आया। ओके जनाब, क्वेटा से, इस्लामाबाद से, लाहौर से और जी पता नहीं कहाँ कहाँ से, यहाँ से जहाँ पर लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ चर्सी टिक्का खाने के लिए। जी पिशावर की बात ही निराली है, किसी किस्म का फूड हो, चना मेवा हो, या हो काबली पुलाव, चपली कबाब हो, सीख कबाब हो, या और ऐसी बहुत सी चीज़ें हो, पिशावर अपनी मिसाल आप है। आज का ब्लॉग यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो को लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक अपना अपने प्यारों का ख्याल कीजिएगा और अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो आप देख सकें, और जी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।